इसके पहले लाइफ में कभी किसी को किस नहीं किया था। अच्छा मैं भूल गया, जिसमें कोई किसिंग सीन नहीं था। अरे इस पिक्चर की बात कर रही मेरे तलवार निकाल दे। नहीं नहीं बिट्टू, ये तलवार नहीं, चाकू है, चाकू इसने निकाला है ना, इसलिए तलवार लग रहा है। दादी। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। पाजी आज हमारे शो में कुछ बड़े ही मजेदार लोग आ रहे हैं। जलवा होने वाला है। एक तो वो हैं जिनका इंतजार तकरीबन सारी ही लड़कियों को रहा है कि वो कब आएंगे, और बाकी लोग वो हैं जिनसे हम इतना प्यार करते हैं कि हम चाहते हैं कि वो बार बार आए। तो सबसे पहले मैं उनको बुलाना चाहूंगा जो हमारी इंडस्ट्री के हैंडसम और वेल बिल्ट एक्ट्रेस में से एक हैं। कैसे भाई आप? ऑल गुड। थोड़े कमजोर लग रहे हैं आप। हाँ, एक घंटे से जिम नहीं गया हूं मैं। भाई सबसे पहले तो एक काम करिए जी, वो सब जो लड़कियां बैठी हुई हैं सबको एक बार हाय कर दीजिए। हाय हाय गाइस, हाय गर्ल्स। नहीं पता क्या, लड़के भी ऐसे हाथ दिखा रहे हैं। वो तो ऐसे ही बस बीच में घुसने की आदत होती है। पीछे एक लेडी बोल रही है हाय मॉम्स भी बोल दो। हाँ कौन सी वाली? हाय मॉम। देखा फिरोजा मैडम कर दिया ना खुश। इनका नाम क्या है? फिरोजी सूट पहन के आई ना, तो इनमें फिरोजा मैडम बोल दिया। मेरे मॉम का नाम फिरोजा है। चलिए होता है कभी कभी ऐसा। डोंट नीड टू फील सैड। सर मैं ये लड़कियां जो सब हैं ये आपका इंतजार करते करते थक गई एक्चुअली। तो गर्ल्स एक बार हो जाए शोर जॉन अब्राहम के लिए। कभी खुदा के नेक बंदों का ये अवतार लगता है। वाह। कभी रणभूमि में जौहर दिखलाती हुई तलवार लगता है। क्या बात है। इसे देखकर जिस तरह से लड़कियां आहें भरती हैं, ये जवान दिलों की धड़कनों का राजकुमार लगता है। जो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, वेलकम बैक में वेलकम जो पहली वेलकम थी वो ऑलरेडी इतनी बड़ी हिट है कि उसमें मजनू भाई का किरदार जो है हमारे अनिल कपूर सर निभाते हैं, फिर अपने नाना पाटेकर सर हैं, वो ऑलरेडी इतने सर पॉपुलर हो चुके, लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके बाद आपको उनकी टक्कर का रोल ऑफर हुआ, तो आपको खुशी हुई या टेंशन हो गई कि मैं इनको टक्कर कैसे दूंगा? नहीं, शुरू में टेंशन हुई, लेकिन उसके बाद जब उन दोनों को मैंने देखा, उनके साथ पहले काम कर चुका हूं मैं जी, लेकिन जब भी उनको साथ में देखा तो लगा कि दोनों को मिलाकर मेरी बॉडी उतनी है, तो टक्कर का तो हो गया वहां पे। और लेकिन अगर आप देखें तो उनका इतना एक्सपीरियंस है इस फिल्म इंडस्ट्री में जी, मतलब दोनों को कुल मिला के 100 साल तो हो चुके इस फिल्म इंडस्ट्री में। तो सोचा कि क्यों ना कुछ सीख लूं इनसे, और काफी कुछ सीखा है हम लोगों ने, और नसीर सर भी थे उसमें, नसीर साहब जो उनको अच्छा लगता है आपको बोल देते, अगर कुछ बुरा लगता है तो बोल देते, अगर लाइटिंग को टाइम लग रहा है तो बोलते हैं कि ए यहाँ पे क्या हो रहा है, शादी की लाइटिंग हो रही है कि मेरी लाइटिंग हो रही है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो वो एकदम ये The most honest actor in this industry is Nana Patekar. Wow. जो है मुझे बोल रहे हैं। John, welcome back में गुंडे का किरदार निभा रहे हैं, हालांकि आप देखें तो ये बिल्कुल गुंडे दिखते नहीं है। सवाल ही आप अगर पैंट शर्ट में और टाई लगा के आए तो आप किसी बैंक के सीईओ लगते हैं जी, और आपकी हाइट से लगता है कि बहुत बड़े बैंक के सीईओ हैं। उस बैंक के सीईओ हैं कि अगर उसका लोन किसी ने ना चुकाया तो सीईओ खुद आगे पीटेगा। ये अलग बात है, पर जब आपको ये गुंडे का रोल ऑफर हुआ तो आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा कन्विंस किया? जी एक्चुअली मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, और नाना सर, अनिल सर, परेश सर, नसीर सर, सबके साथ काम करने का मौका मिला, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। चलिए
जैसा कि आप सब जानते हैं कि जॉन ने अपना करियर जो है वो शुरू किया था फिल्म जिस्म से। आपका जिस्म माशाल्लाह बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो ये जो फिल्म का टाइटल था वो आपके जिस्म को देख के रखा गया था कि टाइटल के हिसाब से आपने अपना जिस्म तैयार किया था? जी मैं जिस्म तैयार कर रहा था, तैयार हो चुका था, लेकिन पब्लिक तो किसी और का जिस्म देख रहा था। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, भट्ट साहब ने जब ये फिल्म देखी जी, he said John is superb in the movie, J-I-S-M। क्या बात है! फिल्म दोस्ताना आप सबने देखी, बड़ी पसंद की। उसमें जॉन की वो चीज बड़ी फेमस हुई थी जी, कि जिसमें वो येलो कलर का शॉर्ट पहना था आपने। शॉर्ट पहना था या थोड़ा सा उतारा था? अच्छा, इतना हम तब उतारते जब इंजेक्शन लगवाना होता ना हमें। तो करण जौहर ने आपको कैसे कन्विंस किया वो पहनने के लिए? जी एक्चुअली जब ही करण जौहर ने पहले मुझे फिल्म ऑफर किया था, बोला कि यू नो यू आर प्लेइंग अ वेरी गुड कैरेक्टर विद अभिषेक, तो मैंने कहा ठीक है। तो जब ही सेट पे मुझे कपड़े मेरे कपड़े लेके आए, देयर वाज ओनली अ हैंगर, सिर्फ हैंगर ही था, कपड़े नहीं थे। तो मैंने कहा एक तो शॉर्ट दे दो मुझे पहनने के लिए, इसीलिए येलो शॉर्ट्स पहने मैंने। अच्छा, मत, क्योंकि जो पहले स्क्रिप्ट में था वो कुछ नहीं था वहां पे। आप सबको एक मजेदार चीज बताता हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी हो, लोग अपने घर का इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, जॉन ने अपनी तशरीफ का इंश्योरेंस करवाया हुआ है। ये बात सच्ची है? ये बाद में कितनी सच्चाई है? जी मैं बोलता हूँ कि सिद्धू सर आप भी करवा दो, क्योंकि आप घंटों के लिए वही सीट पे बैठते रहते हो, पूरा फ्लैट हो गया है। सुझाव अच्छा है। और सबको करवाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितने लात पड़ने वाले पीछे। हाँ। तो कर दो, और आपकी फिल्म कभी रिलीज हो रही है? मेरी मुझे मौका मिल गया प्रमोशन करने का। पर नहीं, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई सर, विदेशों में बड़ा हम लोग सुनते हैं कि जेनिफर लोपेज ने ये करवाया या फलाने है। होता है ना, कहीं किसी के थाइस का इंश्योरेंस करवाया, किसी ने अपने लिप्स का करवाया। तो मैं एक्चुअली सोच रहा था, ये जो तशरीफ का इंश्योरेंस है बाजी, वो कैसे करते हैं? एरिया का मेजरमेंट लेते हैं या लुक्स के हिसाब से? एरिया और लुक्स के मतलब दोनों को मिला के उन लोग करते हैं, क्योंकि अगर एरिया ज्यादा सरफेस एरिया होता है तो ज्यादा आपको पैसे मिलते हैं। तो मैं थोड़ा तो मतलब आपको कवर, आपको काफी पैसे मिलेंगे। मेरा एरिया और सर मैं आपको बहुत अच्छा रेट दूंगा, आप कर लो। मेरा तेरी तो उन्होंने स्क्रिप्ट लिख दिया, गायब पिछवाड़ा। मेरा तो बाजी वन बेडरूम किचन टाइप एरिया, मेरा तो आपका है थ्री बेडरूम विद टेरेस। थ्री बेडरूम विद टेरेस एंड आल्सो अ फ्लावर लॉन। जॉन के बारे में सबको पता है, इनको बाइक्स का बड़ा शौक है। आप अक्सर दूसरे एक्टर्स को देखते हैं हीरोइन को गोद में उठाया हुआ पोस्टर में। इनके एक फिल्म आई थी, इन्होंने गोद में मोटरसाइकिल उठाया हुआ था। सर एक बात बताइए, जो बाइक होती है, बिगड़ी हुई बाइक संभालना ज्यादा मुश्किल है या बिगड़ी हुई गर्लफ्रेंड? जी बिगड़ी हुई गर्लफ्रेंड बाइक पे ज्यादा संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा, तो पहले तो जब ये लड़की बाइक के पीछे बैठती थी तो मैं कहता था कि आपके जो हील्स है वो निकाल दीजिए। हाँ, क्योंकि इसके पीछे क्या रीजन? हाँ, क्योंकि वो एग्जॉस्ट पाइप पे वो स्क्रैच होता था। अच्छा, फिर अगर आगे लड़की हाथ रखे तो मैं बोलता कि ये जो आपके रिंग्स है वो निकाल दीजिए, क्योंकि वो टैंक पे स्क्रैच होगा। आपका फोकस बाइक है ज्यादा? हाँ, बाइक। और उसके बाद अगर पीछे किसी को हेलमेट पहनाओ तो जब ये ब्रेक लगाओ तो उनका हेलमेट सीधा सर में, तो मैंने कहा कि ये हेलमेट लग नहीं सकता ऐसे, क्योंकि हेलमेट फ्रैक्चर हो जाता है और मेरा स्क्रैच हो जाएगा। तो मैंने कहा कि आप प्लीज यू नो गेट ऑफ द बाइक। तो मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, अभी वो पीछे का जो सीट है मैंने वो निकाल दिया, तो मैं सिंगल सीट चलाता हूँ। तो आजकल सिंगल सीट चला रहे हैं, खुश हूं। अच्छा जॉन, अब जो है बाइक बड़ा आराम से चलाते हैं, लेकिन पहले जो ये चलाते थे बहुत रैश चलाते थे आप। जी काफी तेज चलाता था, लेकिन एडवाइस दूंगा अपने यंगस्टर्स को, क्योंकि आपका शो जो है कपिल द मोस्ट पॉपुलर शो। थैंक यू सर। एंड
We're all very, very big fans of yours. Thank you, sir. So, मुझे भी अच्छा लगता है. और कितने लोगों ने मुझे पूछा. और मैं सिद्धू सर, मैं ये कुछ स्क्रिप्ट में लिखा नहीं है. आने के पहले आई थिंक एट लीस्ट 30 पीपल हैव आस्क्ड मी कैन वी कम फॉर दिस शो. अरे वी आर ऑनर्ड. एनी टाइम सर. सो बहुत अच्छा लगा. और मॉम एक ऑर्गेनाइजेशन को संभालती है, मेक अ विश, जहाँ पे हम लोग टर्मिनली इल बच्चों को संभालते हैं जिनको कैंसर हुआ है. जी. All the kids wanted to come for this show. Wow. तो शायद कपिल से ये दरख्वास्त करूंगा कि सर एनी टाइम इनको इनवाइट करें कभी भी. और मैं चाहूंगा कि आपकी मॉम भी जहां पे आए हमारे, क्योंकि पाजी इनकी मम्मी के बारे में बताऊं, इनकी मम्मी बहुत ही नेक दिल महिला है. जैसे इन्होंने अभी बताया कि मेक ए विश जो फाउंडेशन है वो जो कैंसर पीड़ित बच्चे हैं उनकी कोई भी एक विश जो उनकी हो, अपनी लाइफ की विश हो, वो पूरी करने में उनकी हेल्प करती हैं. और इसके साथ साथ बेजुबानों से बड़ा प्यार है उनको. पूरे बैंड्रा में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, जॉन और उनकी मम्मी उनको खाना खिलाते हैं. अरे क्या. और ये बहुत ही नेक काम आप करते हैं. मुझे लगता है भाजी ये एपिसोड देखने के बाद ना अंधेरी के सारे कुत्ते बैंड्रा शिफ्ट हो जाएंगे. जॉन और उनकी मम्मी तो वहां खाना खिला रहे हैं, अंधेरी में क्या कर रहे हैं. राहुल तू भी अंधेरी में रहता ना. अरे ऐसे बात पूछी, बातों बातों में बात आई तो कुछ नहीं. हमारे ये दोस्त जो है ये बहुत अच्छे जो है म्यूजिशियंस हैं, वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम अवर इंडस्ट्री. इनके लिए तालियां बनती हैं. हम मजाक करते रहते हैं, ये भी खुश रहते हैं. दूसरे शोज में जाके उनको पूरा काम करना पड़ता है, हमारे इधर ज्यादा काम नहीं. टियों पियों. इसकी अभी अभी शादी हुई है थोड़ी देर पहले, तो इसकी तो टियों पियों हो गई. अभी इसकी बीवी इसकी टियों पियों करती है. पर ये सब वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट है. जॉन आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए. थैंक यू कपिल. अब वक्त है फिल्म वेलकम बैक के दो और किरदारों को यहाँ पे इनवाइट करने का. आपकी जोरदार तालियों के बीच माय फेवरेट मिस्टर अनिल कपूर एंड द वेरी ब्यूटीफुल श्रुति हसन. श्रुति आप कमाल लग रही हैं एज यूजुअल. थैंक यू. और सर बैठने के लिए बोला. हाँ जी सर प्लीज आप बैठिए. अपना घर है. प्लीज बैठिए प्लीज जरा संभाल के बैठना. वहां मत बैठना, वहां का जरा स्प्रिंग ढीला है. कितनी बार यहाँ आ चुका मुझे पता है यहाँ क्या होता है और क्या क्या सवाल मुझसे किए जाएंगे वो भी मुझे पता है. सर पहला मैं ही कर दूं सवाल. बिल्कुल सर, आपको तो सब कुछ मालूम. गूगल के बाद आप ही तो हैं. और ये जो मोहब्बत से भरे ना हो वो अल्फाज ही क्या है. वाह क्या बोला तुमने, क्या बात. जो प्यार की धुन ना गुनगुनाए वो साज ही क्या है. आयुर्वेद है या किसी जड़ी बूटी का करिश्मा. हजूरे वाला जरा हमें भी बताओ आपकी भरपूर जवानी का राज क्या है. ये चीज तो मैं अनिल सर से कितनी बार पूछ चुका हूँ और मैं ये भी 50,000 बार पूछ चुका हूँ. आप सबसे यंग एक्टर लगते हैं. खास है आप. क्या बोलूं सर आपको. अरे यार ये बस करो यार, यही सवाल ये बता दो सर. ये बस मैं अपने सवाल में खुद ही लेके आया. नहीं सर बताओ. अरे मुझे पता है ये क्या पूछने वाले हैं. ये देखो ये सारे सवाल मेरे पास कि मैं इतना फिट क्यों हूँ, मैं इतना हैंडसम क्यों, वो तो हूँ. वेलकम बैक कब रिलीज हो रही है. दिल धड़कने दो, मैं आपने बहुत जबरदस्त काम किया था, वो तो मैं करता ही हूँ. ये दाढ़ी क्यों उगाई है, ये दाढ़ी क्यों, 24 का सेकंड सीजन कब शुरू होने वाला है, ये सारे. तो आज ये काम करते हैं सर, ये सवाल. जी सर. यू नो ये डायट है कि डाई. हाँ जी सर मुझे दे दीजिए. आप दे दीजिए. तो ये सवाल मैं इनसे ही पूछता हूँ आज. खड़काओ जी सर. 25 तारीख को कोई फिल्म रिलीज हो रही है, उस फिल्म के बारे किसी को पता है उस फिल्म के बारे में. अरे 25 सितंबर किस-किस को प्यार करूं. किस-किस को प्यार करूं. जी मैंने सुना कि कुछ चार चार हीरोइनों के साथ आप. अरे हमने एक से भी नहीं किया ये चार चार से कर. जॉन साहब सुना हमने. और आपको तो पता ही है ये वेलकम बैक में तो हमको एक भी नहीं मिली और ये चार चार से इश्क कर रहे हैं. सर ऐसे आपने सर 4,000 तक जो लिस्ट बना ली उसका क्या है सर. 4,000 तो हो ही गई होंगी. कब से लगे हुए हैं सर आप. 40 साल से. और क्या अंग्रेज जब से गए तो उन्होंने कहा है अनिल कम. सर
अच्छा ये बताइए कि दूसरा सवाल ये है कि जो आपने जो हमारे अपने उदय मजनू के बाद अगर कोई जोड़ी बहुत पॉपुलर है फेमस है तो वो हमारे हैं, क्या नाम है डायरेक्टर का? अब्बास मस्तान सर। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये अब्बास मस्तान साहब, ये इनके जो सफेद कपड़े हैं और आपको कुछ पता है कि उनके पास कितनी शर्ट्स हैं, सफेद कितनी है, पैंट्स कितने हैं, सफेद शर्ट कितनी है? सर अभी क्या है कि एक ही कलर का होता है तो पता लगाना मुश्किल है, मुझे लगता है दो ही हैं, बदल बदल के पहनते रहते हैं। आप फिल्म में एक ही हीरो है? फिल्म में हीरो एक ही सर। देखो टाइटल इस किस किस को प्यार करूं। तो मुझे तो इस फिल्म का बहुत डाउट लग रहा है भैया। कैसे? एक ही हीरो। देखिए जैसे कि जॉन साहब हैं, जॉन साहब को मेरी जरूरत पड़ती है। करेक्ट जी सर। दो लड़के थे अपने, उनको भी मेरी जरूरत थी। बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है, रेस में सैफ साहब को मेरी जरूरत पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल। अरे वो तो छोड़ो यार, मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज, उसको भी मेरी जरूरत पड़ी। अरे मैं तो बता रहा हूँ, ये जो अभी रिलीज हुई है अपनी, क्या जुरासिक पार्क जी, वो डायनासोर्स को मेरी जरूरत थी, मेरी डेट नहीं मिली इसलिए उन्होंने इरफान खान को, वो तो मेरे को लेने वाले। तो आपने ये कैसे फैसला किया कि आप ये फिल्म में अकेले काम करेंगे? सर मेरी क्या पहली फिल्म थी, उन्होंने जैसे बोला मैं मान गया, मैं कहा मुकर ना जाएं कहीं सर। अच्छा अच्छा, मैं तो मान गया सर, पर मैं यही सोच के गया था कि अनिल सर तो होंगे ही, वो तो हर फिल्म में होते हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। तो वो तो बाद में पता चला आप वेलकम बैक के लिए गए हुए थे सर। अरे छोड़ो यार, आजकल मैं फिल्में कम कर रहा हूँ और कॉमेडी नाइट्स पे ज्यादा आ रहा हूँ। मैं वहां से गुजर रहा था तो लोगों ने बोला भैया आप वही है ना जो कॉमेडी नाइट्स पे आते हैं, ये छठी बार आ रहा हूँ। आपने देखा आज रिएक्शन भी नहीं मिला मुझे ज्यादा। तो आजकल मैं हूं कॉमेडी नाइट्स का अनिल कपूर। कपिल और सिद्धू के बाद मैक्सिमम कौन आया? अनिल कपूर आया। बिल्कुल सर। और साले मुझे तो पैसे भी नहीं मिलते। फ्री जाना पड़ रहा है। सर 24 की नई सीरीज कर रहे हैं या इसी शो पे कब्जा करने का इरादा है? नहीं नहीं सर, आजकल तो बहुत जरूरी है, आपको भी पता है यार, फिल्में अगर एक आध भी फ्लॉप हो जाती है तो काम वहां मिलता नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए नहीं, नहीं यार आपको तो मिलेगा सर, आपको तो जरूर मिलेगा यार, आपकी जो फिजिकलिटी है, बॉडी है, जो आपका यू नो वो तो यू नो ऑफिस के आजकल तो ये इम्पॉसिबल, पर हम लोग दोनों को बहुत प्रॉब्लम है आजकल। इसलिए हमने टीवी को थोड़ा सा रखा। नहीं नहीं, अनिल सर ने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट शेयर किया था, हम शायद वो जल्दी वो लेके भी आए। हाँ, मॉडल फैमिली का जो कॉन्सेप्ट जी आपको करना है। अभी सर मैंने बड़ा सोचा उस पर, फिर मैंने सोचा कि यार मेरी 25 सितंबर का फिल्म आ रही है, उसके बाद फैसला करेंगे जी। मैंने तो अपने को सेव कर लिया भैया, तो 26 सितंबर को सर पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि आप मेरे टीवी शो में काम करने वाले कि नहीं। ठीक है ना सर, आपकी बेस्ट विशेस के लिए धन्यवाद। अरे सर के लिए जोरदार ताली हो जाए तालियां। सवाल हम लोग श्रुति जी से भी करें तो? जी जी बिल्कुल सर, आप विराजमान हो जाए मेरे सच्चे वेलकम का प्रॉब्लम है तो मैं इधर ही बैठता हूँ जरा। यस बिल्कुल बिल्कुल सर, स्प्रिंग का थोड़ा प्रॉब्लम। स्प्रिंग का तो बहाना है, आपके जो अपने स्प्रिंग उछल रहे हैं ना अंदर सर। श्रुति कैसी है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ, आपकी गद्दी के पीछे एक माइक पड़ा है, बाकी बातें बाद में, पहले गाना हो जाए। अनिल सर एक गाना, अनिल सर आपने शायद भूल गए हैं। सर प्लीज सिंग। नहीं सर मैं गाना नहीं गाऊंगा सर, मैं एक बार यहाँ गा चुका, मुझे बहुत जूते पड़े थे। नहीं 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 सर प्लीज, प्लीज मैं पाँव पड़ता हूँ, मुझसे कुछ भी करवा लीजिए, मुझसे डांस करवा लीजिए, वो भी मैं बहुत बुरा करता हूँ, मुझसे डायलॉग बुलवा लीजिए। सर वी लव यू। अभी आपको एक एक करके और भी टैलेंट नजर आने वाले हैं। हाँ सर, आप प्लीज अनिल सर प्लीज प्लीज श्रुति। आपने देखा होगा ट्रेलर में श्रुति को जॉन एकदम से पकड़ के किस कर देते हैं और श्रुति अपने भाइयों से कहती है कि भैया ये बड़ा शरीफ आदमी है। श्रुति आई लव योर डेफिनेशन ऑफ शराफत, आई रियली लाइक दैट। किसी लड़के को अगर शराफत देखती है तो उसमें सबसे पहले क्या चीज देखती हैं आप? आई डोंट लुक फॉर शराफत एक्चुअली। मुझे शरीफ अच्छे लड़के नहीं, लड़के अच्छे नहीं लगते। ठीक बात बोली। मैं शरीफ नहीं हूं वैसे, हमारी नॉटी गाय है। वो दिखता है। बहुत शरारती हूँ मैं। अच्छा वो सीन तो खैर, अच्छा ये जब मैंने ट्रेलर में जब देखा ना, जब जॉन एकदम से पकड़ के किस करते हो, तो जॉन आपने, आप इतने हैंडसम हैं, चार्मिंग एक्टर हैं आप,
आपने बहुत सारी लड़कियों किस किया होगा, कुछ को तो फिल्म में भी किया होगा। फिर वेलकम बैक में आपने श्रुति को एकदम इतनी फास्ट किस क्यों किया कि जैसे सालों से भरे पड़े हैं? ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी कि ये आपने एकदम से कर दिया? एक्चुअली ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी क्योंकि मैंने इसके पहले लाइफ में कभी किसी को किस नहीं किया। अज्जू भाई जो है ना ऐसे दिखा दे सबको, लेकिन कभी अच्छा लाइफ मैं भूल गया, जिसमें कोई किसिंग सीन नहीं था? नहीं नहीं, कैरेक्टर जो है ना अज्जू भाई का जी, तो मतलब उसके लाइफ में उसने किसी को किस नहीं किया। बंदे की ईमानदारी के लिए तालियां बनती हैं। हाँ, मेरे लाइफ में नहीं, तो कई बार ये होता है कि इंसान कहता है कि मेरे जो करेक्टर ऐसा है कि उसने कभी आज तक किसी को किस नहीं किया, या कई बार ऐसा होता है कि बंदा कहता है नहीं मैंने तो लाइफ में कभी नहीं किया, मेरे जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे इमरान हाशमी कहते हैं कि मैं लाइफ में ऐसा नहीं, मेरे कैरेक्टर जो होता है ऐसा होता है। ये कितने ईमानदार कहते हैं मेरा कैरेक्टर ऐसा है जिसने कभी नहीं किया, मैंने तो मैं पीसी हूं, बड़ा अच्छा। जब अनिल सर ने शुरुआत की, अनिल सर के साथ और अनिल सर के बाद भी जितने एक्टर्स आए सर, उन्होंने बाप दादों के रोल करने शुरू कर दिए। आप आज भी मजनू भाई बन के घूमते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आने वाले 2-3 सालों में ना ये जैकी श्रॉफ या माधुरी दीक्षित के बेटे के रोल में भी नजर आ जाए। सर, कब तक का टारगेट है, कितने और साल का टारगेट है कि मुझे हीरो ही आना है? मेरा बस दूसरे हीरो पे। सर, यू डोंट नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन, यू आर टू हैंडसम एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। क्या बात है, वाओ, ये श्रुति जी ने एंडोर्स कर दिया। श्रुति तो करेंगी, इनके पापा खुद आज तक हीरो आ रहे हैं। बच्चियां बड़ी होगी ना, हीरोइन बनाने लगी हैं। आपको पता है कि उन सालों फ्रॉम व्हेन दे स्टार्टेड कितने हीरोज थे, और आज जो हीरोज हैं उनमें से एक मेरे पापा और ये एक है, और दोनों हैंडसम है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? आप भी एक्सरसाइज करो, आप भी यंग यंग लगो। ये लाइन काट देंगे प्लीज। सर, आपको कोई अंदाजा है कितनी फिल्मों में कितनी हीरोइंस के साथ आपने रोमांस किया है? मैंने किया, मगर मैं आप जैसा नहीं था, मैं हमेशा फोकस एक लड़के, एक ही हीरोइन पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करता था। आजकल तो एक भी नहीं मिलती, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। नहीं सर, उसमें मैंने एक गाना देखा आपकी फिल्म का, उसमें आप नाच रहे हैं हिरन के साथ। नाच रहा हूँ ना, पर मिलती नहीं एंड में मुझे, ना मुझे ना नाना को। नहीं, चलो नाना सर को चलो नहीं मिलती, समझ में आता है। हाँ। नहीं मतलब नाना सर पर्सनैलिटी ऐसी ना कि कभी घबरा जाती लड़की, नहीं नहीं गुस्से में ना आ जाए। मैं सोचता हूँ अगर नाना सर बिल्कुल रोमांटिक हीरो होते, अगर वो गाना नाना सर पे फिल्माया जाता। कौन सा? एक मर्डर फिल्म का गाना था ना, बीगे होट तेरे। अगर वो उल्टा और एक और अजूबा होता कि गाते भी नाना सर, तो कितना मजा आता ना। ए बीगे होट तेरे, ए प्यासा तन मेरा, चल मेरे साथ सारी रात गुजार। सारी रात गुजार तेरे साथ, सुबह तक करूं प्यार। सॉरी नाना, मैं करूंगी करूंगी। ए नाना बोलती है। सर, जॉन भी यहाँ पे हैं। हाँ जी। आप भी यहाँ पे हैं, श्रुति भी यहाँ पे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 80s से लेके आज तक, मतलब 80s के और आज के हीरो में क्या फर्क है, या उस समय की हीरोइन में और आज की हीरोइन में क्या फर्क है? बस मुझे यही फर्क नजर आता है कि यू नो, जो पहले जो हीरो होते थे, जो हीरो होते थे जी, वो जबरदस्त डांसर्स होते थे जी, और आजकल के जो हीरोज हैं यू नो, उनमें वो बात नहीं है, यू अंडरस्टैंड। जैसे ऋतिक है, कहाँ आता है उसको डांस? अपना दूसरा है, अपना वरुण धवन है, यू अंडरस्टैंड, कहाँ आता है उसको डांस? वो अपने टाइगर श्रॉफ है, हम लोग कितने कमाल के डांस, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, अनिल कपूर, हम लोग जैसे हमें गाना मिलता था एक शॉट में दे देते, पता है दूसरा शॉट भी सेम ही होने वाला है। हाँ। तो ये डिफरेंस है, आजकल के हीरोज में वो बात नहीं है, जो हम लोग स्पेशली डांसिंग, वी वर नोन फॉर अवर डांसिंग। देखिए, हमने ड्राइवर रखा हुआ है, हमको आता नहीं है ना। इसके लिए थोड़ा हमें समझ गया सर, इसलिए मैं वहां से यहाँ आ गया। अनिल कपूर जी नमस्कार। देखिए क्या है कि आप शर्मा जी की इस कुटिया हमें ऐसे दर्शन देते रहते हैं, तो आपसे मुलाकात हो जाती है, इसके लिए दिल खुश रहता है। लेकिन वेलकम बैक,
नाम भी ले लिए। वेलकम बैक। लेकिन जॉन जी, आप यहाँ पर सबसे पहली बार आए जी, जी, लेकिन जी। आपको सच बात बताएं, क्या है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, यानी कि मित्रगण हैं, वो आपके गांव से ही है, फ्रॉम जौनपुर। ओके, बहुत अच्छी बात। श्रुति जी, इट इज अ प्लेजर। हाथ मत मिलाना, गोबर उठा के आए। तो कमाल की बात कर रहे हैं, गोबर हमने परसों उठाया था, उसके बाद 3 बार खाना भी खा चुके हैं। अच्छा, तुमने भैंस में इंजन लगवा लिया अपनी में? शर्मा जी, आपने अब्बास मस्तान जी का एक ट्रेलर क्या कर लिया? आपने आपको बड़ा फिल्म स्टार समझ लिया। अबे ट्रेलर नहीं, मैंने पूरी फिल्म की है। अगले महीने आ रही है, 25 सितंबर को। पूरी फिल्म की है, लेकिन आपको ये बात पता नहीं है, दिस इज नॉट ए भैंसिया, इट इज ए बाइक। खैर, वैसे हम आपको बता दें, एक भैंसिया भी है हमारे पास, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस पे हम उसको लेकर नहीं जा सकते। क्या है कि उसका ब्रेक किधर है, गियर किधर है, हम कंफ्यूज से हो जाते हैं। काम कीजिए, भैंस को गैस पे कर दीजिए। वो गैस पे है सर, वो गैस पे, ये गोबर पे, दोनों मिलकर गोबर गैस बनाते हैं। देखिए शर्मा जी, आपके मोबाइल में एक मोड होएगा, वाइब्रेशन मोड। ये मोड आप अपने मुंह में डाल सकते हैं। थोड़ी सी देर के लिए डाल लीजिए, बिकॉज नाउ द हैंडसम डूड इज गोइंग टू बी टॉकिंग टू द गॉर्जियस श्रुति हासन। श्रुति जी, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन हमारा और आपका ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन है। कैसे? देखिए, आप साउथ से हैं और हमारा जो घर है वो भी साउथ फेसिंग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आज सभी लोगों के सामने हमें आपको वो 3 मैजिक वर्ड्स कहने होंगे। जी हाँ, आई एम सॉरी, लेकिन वो 3 मैजिक वर्ड्स अब हमारे मुंह से निकलने वाले हैं। श्रुति जी, हाउ आर यू? I have 4 magic words, मैं भी बोलूं? अरे सोने पे सुहागा, बोलिए बोलिए। आप दांत साफ करेंगे? इतनी बेइज्जती के बाद भी रुका है? तुझे तो खड़े खड़े धोती में हवा भर के टेक ऑफ कर देना चाहिए। शर्मा जी, अभी अभी हमने आपको वाइब्रेशन मोड पे डाला था, मोड अपने आप कैसे चेंज हो गया? जा एलियंस के हेलीकॉप्टर, जा निकल जा। देखिए, अभी तक हमारा हुआ नहीं है। जॉन जी से कहां भी हमारी बातचीत, बताइए। जॉन जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपके जो फिजिक है ना, वेरी इंप्रेस्ड। कर हम तो इंप्रेस्ड है, लेकिन एक आपकी फीमेल फैन है जो आपसे मिलना चाहती है, तो अगर आप इजाजत दें तो हम उसे स्टेज पे बुला लें। अरे बिल्कुल इजाजत नहीं है। अरे आ जाओ भाई। This is the biggest fan of John G, my Barrio Bijuria. Lallan top lollipop. Bijuria कैसे फैन हो सकती John की? क्यों? उसा फैन हो सकता है, बजाज फैन हो सकता है, बिजुरिया फैन नहीं हो सकती। शर्मा जी, ये फैन है आपकी, आपसे बहुत प्यार करती है। अरे इसने तो दूध हड़ताल कर रखी है, कहती है कि जब तक जॉन जी हमारे साथ रोमांस नहीं करेंगे तब तक दूध नहीं देगी, बताइए। अच्छा, तेरा दिमाग खराब हो गया, जॉन जैसा हैंडसम आदमी भैंस के साथ रोमांस करेगा? तू कर उल्टा पागल, सांड से अच्छा लगता है। शर्मा जी, आप तो ऐसे प्रोटेक्टिव बोल रहे हैं जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है। कोशिश करूं मैं वैसे। नाम क्या है इसका? बिजुरिया। बिजुरिया नाम बिजुरिया है, प्यार से हम इसे बिजुरिया कहते हैं। दोनों तरफ बिजुरिया ही हुआ ना। अरे शर्मा जी, इट इज डिफरेंस ऑफ एक्सप्रेशन। एक पूरी फिल्म कर दी आपको, एक्सप्रेशन का फर्क पता नहीं चला? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजुरिया एंड बिजुरिया, कम ऑन। ए बिजुरिया, और सब ठीक है? आज गोबर किया कि नहीं? जॉन जी, आप भी कमाल करते हैं। आपने अभी कभी अपनी फिल्म में हीरोइन के साथ रोमांस करते हुए कहा कि आपका पेट साफ हुआ कि नहीं? ये बिजुरिया, क्या कमर है, क्या लचक है, आपके तो काफी बड़े दीवाने हो गए बिजुरिया। आपके पैर इतने खूबसूरत हैं
इसे जमीन पे मत रखिए, मैले हो जाएगी। अरे जॉन जी, भाई सी आए, हेलीकॉप्टर नहीं है, उड़ के कहां जाएगी, पैर जमीन पे ही रहेंगे। नहीं जॉन जी, थोड़ा और फीलिंग, नहीं थोड़ा और फीलिंग के साथ, ऐसे निचोड़ के फीलिंग निकालिए। अबे भैंस, ये है कि तू मजा तो इसे आएगा ना। ले जा रहा है। थैंक यू भाई। ऑल राइट, शुक्रिया। आपके बारे में एक चीज सुनी है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कि श्रुति ने कहा कि मैं सिर्फ टीवी पे एड फिल्म्स देखती हूँ या फिर कॉमेडी नाइट्स। अभी बोल देना, हाँ हमारी इज्जत रखेगा। एड फिल्म्स नहीं, टेली शॉपिंग देखती हूँ। श्रुति कर दो ना प्लीज हमारे दर्शकों के लिए कुछ, कितना अभी तो आपने कितना कुछ ऑब्जर्व किया होगा। देखिए पहले मैं बहुत उदास हुई करती थी, मैं बहुत टायर्ड रहती थी, मैं बहुत बोर्ड रहती थी, मैं 16-16 घंटा सोती थी। और फिर मैंने देखा कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। अभी मैं हंसती रहती हूँ, खाते वक्त भी हंसती हूँ, सोते वक्त भी हंसती हूँ। थैंक यू कपिल। और अभी आपको मिलेंगे कपिल ये स्पेशल ऑफर सिर्फ 999 रुपए में कपिल। श्रुति, जॉन, अनिल सर, आपके चाहने वाले यहाँ आपके सामने मौजूद हैं, ये आपसे बातें करना चाहते हैं। आप लोग एक एक करके अनिल सर से, श्रुति से, जॉन से जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जी पिंकटी पू मोहतरमा। हाय सिद्धू सर, हाय कपिल सर, हाय अनिल सर, हाय जॉन सर, हाय श्रुति मैम। क्या बोला, जानू सर? जॉन सर। जॉन, या ओके। हम लोगों सर बड़े कॉन्फिडेंटली बोला। हाँ। बाकी जो जो जॉन का सर अंदर ही दाढ़ के अंदर रह रहा है। क्या नाम है आपका? सरिता अग्रवाल। कैसे हैं सरिता? फाइन। अग्रवाल जी, अग्रवाल जी। अनिल सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और शादी के पहले से आपकी बहुत मूवी देखती थी। अच्छा, शादी हो चुकी है? हाँ। चलो बात ही खत्म। आपके पति भी आए साथ में? हाँ। कहाँ है? अरे जीजा जी, कैसे? जी। और आप मेरे ख्वाबों में आते थे और हमेशा एक ही गाने पे हम दोनों डांस करते थे। भाई साहब क्या हो रहा है? शादी आपसे ख्वाब? अच्छा, शादी से पहले? शादी के पहले और शादी के 25 साल बाद भी अभी भी आते हैं अनिल सर। 25 साल हो गए आपकी शादी को? आपकी शादी को 25 साल हो गए? जी हाँ। शादी 5 साल की उम्र में कर ली थी आपने? कमाल है सर, आपके फैंस भी बड़े फिट हैं। लग रहा मुझे यार, ये मुझसे भी ज्यादा फिट है। वेरी गुड। तो आज अनिल से सामने है जी, तो वो गाना है, बोलिए ना, शर्मा क्यों रही हैं? कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि 3 डांसर थे पूरे इंडस्ट्री में, एक का नाम भूल गया, संजय दत्त का। सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, संजय दत्त, वर्ल्ड के सब बेस्ट कमाल के। जो 5वां अभी लॉन्च हो रहा है 25th of September को। कह दो कि तू, मैं डांस नहीं हो सकता ना, वो तो गसलो गाना है सर, उनको करना भी तो कहा है डांस। दूसरे गाना कोई होता ना, कोई फास्ट गाना बताइए ना, जैसे कोई, सर आप समझ रहे हैं उनको, जैसे वेलकम बैक का कोई गाना हो तो हम सब डांस करें उस पर थोड़ा सा। प्रमोशन तो सबको पता है आप, बट आई विल डांस ना, उसमें मैं लेके आऊंगा, कह दो कि तुम। अनिल सर का डांस देखे मजा आता है सर, क्या बात है जी। और कोई मेरे दोस्त? जी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन जॉन सर से। जी सर, मैंने कहीं सुना था कि आपने बोला लड़की को पटाने के लिए बाइक थोड़ी स्लो चलानी चाहिए। सर मैंने ट्राई किया आपका प्लान, पर लड़की बहुत तेज आगे निकल गई। बाइक स्लो चलानी चाहिए सर, उसके साथ साथ पीछे रिक्शा वाले भी चलाने लगे। अबे गाड़ी साइड में कर, क्या कर रहा है बे? और आप किस पे थे? सर मैं गाड़ी में ही था। नहीं नहीं, ये बाइक पे। तुम बाइक पे थे ना, तो लड़की ने ये सोचा कि हैंडल पे रुमाल बंधा हुआ है। खाया पिया करो पहले, खाया पिया करो थोड़ा। आप क्या करते क्या हैं ब्रदर? सर स्टूडेंट हूँ मैं, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ।
इंजीनियरिंग कर रहे हैं अभी, क्या इतनी आग लगी? आप हेलमेट पहनते हो आप? हाँ सर। पहना था, चोट लग गई। हेलमेट की वजह से लगी। नहीं नहीं, आप बाइक आराम से चलाए, जो लड़की तेज नहीं है वो आपके लाइफ में आ जाएगी। वो थैंक यू, वही अच्छी बात है। थैंक यू सर। पहले तो आप अपनी पढ़ाई पूरी करें, ठीक है? Yes, फिर अपनी खुराक पूरी करें। हाँ, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, थोड़ा वेट बढ़ा दे आप। यस सर, थैंक यू। और कमीज जो आपने यहाँ तक टांगी हुई ना, ये किसी दिन कोहनी की वजह से फटेगी। अभी घर जाते हुए रास्ते में सर, वो मेडिकल स्टोर खुला होगा, च्यवनप्राश का डब्बा लेके जाना। शुक्रिया ब्रदर, पर बड़े मजेदार, आपने अपना जो बात कही बड़ी मजेदार तरीके से कही। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, शुक्रिया। और कोई मेरे दोस्त? जी मैम। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो सिद्धू सर। सर मेरा क्वेश्चन है ना अनिल सर से है जी। मैं, जैसे कि जॉन सर ने अभी पहले बताया कि वो ज्यादातर लड़कियों को बिठाते नहीं है बाइक पे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ अनिल सर से कि क्या कभी जॉन सर ने आपको बाइक राइड के लिए पूछा है? कभी आपको बाइक राइड कराई है? मेरे बाइक पे एक ही सीट है लेकिन। ये बात तो सही है यार, आपने मुझे कभी बाइक पे बिठाया नहीं कभी। सर बिना सीट वाली बाइक पे बैठना बहुत खतरनाक है। सर मैं जॉन के साथ बिना सीट के, मैं बिना टायर के बाइक पे भी बैठ सकता हूँ। ये तो है, ये बात तो सही। तो सर आज मौका भी है, कपिल सर के स्कूटर पे एक बाइक राइड हो जाए। ये चलती है, चलती है सर। आप 20 रुपए देंगे, मैं तेल डलवा के फटाफट आया। पता नहीं उसका। चलाओ। हाँ चलाओ, चलो। थैंक यू सर। चलाए। Stand is on. जॉन साहब नर्वस हो गया है मुझे देख। हमने स्कूटर को सिखाया हुआ, कोई सेलिब्रिटी किक मारे सिर्फ स्टार्ट होना, चलना नहीं। स्कूटर वाला कौन है यहाँ पे? सर मैं ही हूँ। अरे, अरे सर मैं बता, मेरा काम ही यही है सर, स्कूटर मैकेनिक था पहले। सर ये मुझे भी नहीं पता था इसमें है पेट्रोल थोड़ा सा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया यार। मैं देख रहा था जब जॉन चला रहा था, झटके बहुत दे रहा था। जॉन तो हमेशा ऐसे करता था लड़कियों के साथ, जोर जोर झटके। शुक्रिया मोहतरमा, आप बड़ी मुश्किल से हमें मिले हैं सर। नहीं मैं पहली बार आया हूँ। ये दो रीजन थे उसके। एक तो मेरी जो बेटी है सारा बजमी, वो बहुत बड़ी फैन है सिद्धू सर की एंड आपकी, और उनको बहुत ये कॉमेडी नाइट जो है बहुत पसंद आता है। और दूसरी वजह थी कि मुझे पता लगा था कि सिद्धू जी को और आपको जो है वो पहली वेलकम जो है वो इतनी पसंद आएगी, आप लोगों ने कुछ 25-25 मरतबा देखी। एक बात बताइए अनीस भाई, फिल्म में अनिल सर की और नाना सर की एंट्री जो होती है बड़ी लंबी कार में होती है, नसीर साहब की एंट्री होती है हवाई जहाज में, जॉन आते हैं 4-5 घोड़े वाले रथ पे, आप हमारे शो पे पैदल ही आ गए। एक्चुअली क्या है कपिल भाई कि ये सारे पैसे जो है सारे एक्ट्रेस में चले गए, और फिल्म जितने बड़े लेवल की बनाई हमने जी, उसमें इतने पैसे खर्च हो गए कि कुछ बचा ही नहीं। बल्कि आपको मैं सच बताऊं, दुबई में जब हम लोग वापस आ रहे थे तो होटल से लेकर जो एयरपोर्ट है वहां हम, मैं प्रोड्यूसर जो है वो ऊंट पे गए थे। अच्छा आपने कभी ना गौर करना, अनिल सर अनीस भाई की तकरीबन सारी फिल्मों में होते हैं, सर इनमें टैलेंट ज्यादा है कि इनकी पेमेंट कम है? अनिल साहब को इस फिल्म के लिए मनाने के लिए मुझे इनके शूटिंग पर वहां जाना पड़ा था जैसलमेर, क्योंकि ये बोल रहे थे भाई मुझे इतना ही पैसा चाहिए, और फिरोज भाई बोल रहे थे यार अनिल कैसी पिक्चर बनेगी, तो मैंने बोला नहीं पिक्चर तो बनानी है और विदाउट अनिल जी ये फिल्म बन नहीं सकती जी बिल्कुल। मजनू भाई, तो मैंने बोला मैं क्या करूं, तो उन्होंने बोला आप ही कुछ करो। तो मैं यहाँ से बॉम्बे से गया था जैसलमेर इनको मिलने, इनको कन्विंस करने, तो पैसे भी लेते हैं और टैलेंटेड भी हैं।
अनीस भाई एक और मैंने बात नोटिस की आपकी फिल्म में, जैसे नो एंट्री हो गई, वेलकम हो गई, वेलकम बैक हो गई, इंग्लिश नाम क्यों होते हैं? मुझे लगता है इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे भी नो एंट्री का टाइटल होता घुसो मत। अभी जैसे आपकी जो टाइटल है कॉमेडी विद नाइट विद कपिल जी, अगर ये हिंदी में होता कि रात को हंसो कपिल के साथ। सही बात है, ये इंग्लिश में ही ठीक लगता है, नहीं तो हिंदी में लोग बोलते भी रात को हंसे क्यों, भी रात को और भी बड़े काम होते। क्या बोलो कैसा है? माई भी एकदम मस्त है, मस्त हवन के दिया सब कुछ है। या या इज्जत है, रोटी है, शौहरत है, सब कुछ है यार। ओए बस कर, ये सन 39 का डायलॉग बंद करो, ये बकवास। मेरा अनिल और तो दोबारा आ गया। अरे दोबारा क्या, मैं यहीं हूँ, गया ही नहीं मैं। यहीं बाजू में ही सोता हूँ आजकल मैं। इसका हाँ। मतलब अनिल अब हमारे घर का हिस्सा हो गया। अरे दादी इनकी नई फिल्म आई है। अच्छा, दोबारा आए हैं वो। ओह वेलकम वेलकम। हाँ फिल्म का नाम भी यही है, वेलकम बैक। तो भी मैं सोचू अनीस क्यों आया है। हाय अनीस, वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक। मैं क्या कह रही थी अनीस, व्हाई डोंट यू बज मी यार। मेरी बच्ची, दूध से सफेद बच्ची, कैसी है तू? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल टनाटन। अच्छा सुन, शादी के लिए लड़का मिला कि नहीं मिला? ये बदमाशी गुड़ मिला नहीं, थोड़ा साइड हो जा बच्ची। जॉन भी आया जॉन अकेले आया जॉन जी, जानी जनार्दन नहीं है? जानी जनार्दन कौन? अरे ये तीन भाई है ना, जॉन जानी जनार्दन। दादी ये इनका जानी जनार्दन से कोई लेना देना नहीं, ध्यान से देखिए, जॉन अब्राहम है, चश्मा उतार के देख। नहीं नहीं, तू क्या बताना चाहता है मुझे? हाँ मैं इसको नहीं जानती, इसके परिवार को नहीं जानती, अरे मैं तो इसके दद्दा को भी जानती थी। ओए अब्राहम लिंकन साहब थे वो। दादी वो इनके दद्दा नहीं है। इनके दद्दा नहीं है? नहीं, ये जॉन अब्राहम है। तो ये किसका अब्राहम लेके घूम रहा है? उनका अपना अब्राहम है। अच्छा 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 अच्छा, चलो जो भी है व्हाट्स देयर, मैं तो बड़ी खुश हूँ। वैसे अनिल, हाँ मेरी जान, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, मैं भी आपकी बिरादरी में ज्वाइन हो गई हूँ। एक्ट्रेस बन रही है? नहीं नहीं नहीं, भाईगिरी। भाईगिरी जी, जैसे आप मजनू भाई बन के भाईगिरी करते हो ना, वैसे मैं दादीगिरी। एक्चुअली जाना तो मैं दादागिरी में चाहती थी, लेकिन दादी हूं ना तो मैं दादीगिरी में घुस गई। दादी भी दादीगिरी तो भाईगिरी में ठीक है, तेरा दिमाग खराब है? लोगों की दादी हरिद्वार जाने की बात करती है, ये तड़ी बार होने की बात कर रही है, शर्म नहीं आती? तो क्या हुआ, दैट्स माय स्टाइल। तो मजनू मैं क्या कह रही थी कि भाईगिरी का मैंने स्कूल खोला है एंड स्कूल का टाइम भी हो गया है, मैं स्टूडेंट को बुला लेती हूं। प्लीज प्लीज, ठीक है? स्टूडेंट, ओ दिलावर सिंह। ये नाम किसका रखा तूने? दो मिनट की डिलीवरी इधर। तेरा नाम तो होना नहीं चाहिए था इतना भारी भरकम, तेरा तो नंबर होना चाहिए, नौ नंबर। तमीज से बात करिए, मेरा स्टूडेंट है। और ये तू 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 क्या कर रहा है? आप बोलो, आप क्या बोलो उसको, तो तू भी बड़ा पड़ रहा है। कौन है? अरे जो भी है, छोटा बच्चा है ना, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एक दिन ये भी बड़ा भाई बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है बड़ा भाई? वे भाई बनूंगा, बदला लूंगा। किससे? अपने दोस्तों से। कौन से दोस्तों से? जो मेरे को तंग करते हैं स्कूल में। तो अभी तक स्कूल में पढ़ता है? नहीं नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ता मैं। फिर एक्चुअली बात तब की है जब मैं पढ़ता था स्कूल में। अच्छा, तो अब वो बड़े होंगे, मैं छोटा रह गया हूँ, इसलिए मेरे को वो तंग करते हैं। अच्छा, तो तू किस दिन मर जा टाइम निकाल के। अरे इसको बता दो, सारे शहर के बच्चे बच्चे मेरे से डरते हैं। बच्चे डरेंगे? मैं तो सोच रहा तेरे से मुर्गे डरते होंगे, शुक्र कर बच्चे डरते हैं, बड़े तेरे कान के नीचे देंगे। लाल की बातें करे। भाई क्यों बनना चाहता है? भाई मैं इसलिए बताया तो है तुम्हें, भाई इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं बदला लेना चाहता हूँ। दोबारा बता दे, तेरा दिल आ रहा है? बताना तू। बताया पहले से? बता। वो मार रहा है मेरे को। अच्छा नहीं बताएगा तो मैं मारूंगी। बोल। भाई मैं इसलिए बनना चाहता हूँ
क्योंकि मैं स्कूल के बच्चों से बदला लेना चाहता हूँ। अरे भाई छोड़, तो दाढ़ी कटा किसी की बहन बन जा भाई। पर तू इतना बड़ा हो गया, स्कूल में पढ़ता है? स्कूल में नहीं पढ़ता मैं। एक्चुअली बात ये है कि स्कूल से तो मैं 8 साल पहले निकाला गया। हाँ? अब बहुत सारे बड़े हो गए। हाँ? मैं छोटा रह गया, इसलिए मेरे को तंग करते हैं। ये बात तो तुमने पहले बताई थी। तू घबरा मत, जब सवाल दो बार आएगा तो जवाब भी दो बार ही आएगा। चल ठीक है ठीक है, घबरा मत, आज के बाद सब लोग तुझसे डरेंगे। बस ठीक है, अब जैसा मैं बोलती हूँ वैसे तुझे करना है। ठीक है, मर्द की तरह खड़े रहे ऐसे, ज्यादा मत फैल, टूट जाएगा अंदर। इधर आ। जॉन, दादी रहने दे, क्यों क्यों मरवाने जाती हूँ। बात सुन, वो मेमना खड़ा ना, वो पकड़, डाकू बना, चींटियों के गांव लूट जा। क्लास पूरी होने देगा कि नहीं देगा तू? अभी धंधा शुरू किया, बंद करना चाहता है। जॉन बेटा जरा इधर आ जा। अच्छा जॉन, इतना बड़ा एक्टर है उसको भेजना उसके पास। ठीक है जॉन, ये चिलगुजे सुन। जॉन ये तेरा दुश्मन है, ये तेरी आइटम को लेके भागना चाहता है। ठीक है, अब तुझे जॉन को हुल देनी है, दे हुल। आवाज नहीं पहुंच रही, इसके कंधे में बिठा के फिर बुलवा। रुक जा। ये क्या किया जॉन? अरे वो ठीक है, सीख जाएगा। तूने मेरा स्कूल फेंक दिया। अरे वो सीख जाएगा, वो बच्चा है अभी। तेरे को भाईगिरी करनी है ना? हाँ। भाईगिरी करनी है? हाँ। वही तो बिजनेस स्टार्ट किया मैंने। तो चल तेरे को भाईगिरी सिखाता हूँ, आ जा। एक धंधा बंद करता है। आ जा आ जा। गोली चलाने आती है? गोली? हाँ, बंदूक 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 चाहिए? बंदूक चाहिए, चल बंदूक निकाल। घोड़े पे हाथ रख, घोड़े घोड़ा घोड़े पे घोड़े पे घोड़े। तू चलानी है तो घोड़े पे क्यों हाथ रखू, घोड़ा है क्या? अरे इस घोड़े पे, इसको घोड़ा बोलते हैं। हाँ इसको घोड़ा बोलते। अभी एक आंख बंद कर, एक आंख बंद कर। तुम कहो तो दोनों बंद कर दूँ। लंबी सांस ले। देखो मजनू भाई। हाँ बोलो। लंबी सांस तो मैं ले लूंगी, लेकिन अगर गलती से मेरी लंबी सांस छूट गई ना तो बिना गोली के सब लोग बेहोश हो जाएंगे। अगर चल। लंबी सांस ली, ले रही हूँ। हाँ, एक आंख बंद है, अब चला गोली। एक आंख कैसे बंद करूं? अरे दोनों आंख मिला के एक जैसा दिखता है। अरे चला। भाई भाई हो के भाई से चांस मारता है। मजा आ गया, मजा आ गया, अच्छा लगा ये घोड़ा घोड़ा खेल के। अच्छा अभी घोड़ा घोड़ा ये तो कुछ भी नहीं है। वाह क्या बात, क्या बात है, आज मैं मुकम्मल भाई बन गई। भाइयों सुनो, मौका है, कोई भाई बनना चाहता है, मजनू भाई भाई बनाएंगे आपको। अरे आजा, एक काला पीला आजा 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 आजा। एक काम करना, दोनों काला पीला मिला के टैक्सी बना दे। आजा आजा आजा। सर क्या करना पड़ेगा मजनू भाई? इनको भी सीखनी है भाईगिरी। हाँ, ये ढीला सिंगल फसली। बंदूक बंदूक नहीं, अभी एक काम करे, कुछ और कुछ है, तलवार चाकू वाकू। अरे ये ओरिजिनल है सर। ये ओरिजिनल ही चलेगा, आप नहीं वहां खड़े हो जाइए। अच्छा तलवार बाजी, इनको खड़ा करो, एक को खड़ा करो, दोनों को खड़ा करो। क्या करोगे खड़ा? हाँ
एक एक कोई सेब या कोई ऐसा कुछ है, अंगूर भी चलेगा। सेब, सेब, आपको लग जाएगा, आपको लग जाएगा, आपको लग जाएगा। अच्छा सेब रखिए उनके सर पर, सीधा खड़े रहे, हिलना नहीं बेटा, हिलना मत, संभाल के। अरे एक्सपर्ट हूँ, एक्सपर्ट सर, ये ओरिजिनल है, दूसरा कोई बात नहीं, ओरिजिनल से भी नहीं, नहीं मैं जबरदस्त। कपिल, कपिल तू भी हट जा, तू भी हट जा। नहीं नहीं ये ओरिजिनल सर, सीरियसली। अरे नहीं कोई बात, दिखाइए ये ओरिजिनल है। मैम कोई बात नहीं, कोई बात, आप भी हट जाइए। वो दूसरा मंगा ना जो बेटा तेरे घर, ये फर्स्ट है, ये ओरिजिनल से चलेगा। अकेला है साथ में? अरे तू देख, अकेला है, बॉडी को नहीं लगेगा। अनिल जी, हेलो हेलो, नहीं नहीं असली ठीक है। अरे रखो रखो, अरे नहीं सीरियसली, हिलना नहीं बेटा, हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, भाग भाई, ये बार बार गिर रहा है, एक मिनट, ये बार बार गिरता है, मुंह में अटका, मुंह में अटका, ऊपर चुपचाप मुंह में अटका। अरे नहीं दादी ऐसे, हां अरे नीचे का, उनको ऊपर निशाना लगाना है। अरे वो गिर जाता है, नहीं नहीं हाथ पकड़ लो, सही है, गिरता बार बार, ऐसे हिलाना नहीं, ठीक है, हिलाना नहीं। कपिल हट जा, कपिल हट जा, लग सकती है तेरे को, आपको भी लग सकती है, आप भी जरा संभाल ला। देखा हो गया नहीं, चल दादी ये ले, तू अपना सेब ले, सेब ले, ये तेरे लिए प्रेजेंट है। अब मैं समझी कि भाईगिरी कैसे होती है, अब यही कुछ मैं किसी पे आजमाना चाहती हूँ। तेरी सलवार है या कटलरी सेट? कितने छुड़ियां निकाल रही है। आज तक इस मंच पे आई हैव बीन अ गिवर, बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, सबको मैंने शगुन की पप्पी बांटी, सबकी फिल्में सुपर हिट हुई, सब कामयाब हुए, बदले में मुझे क्या मिला? आज पहली बार मैं तुझसे कुछ मांगती हूँ, मैं तुझे शगुन की पप्पी दूंगी, बदले में तुझे भी मुझे शगुन देना होगा। क्या देना होगा? आई वॉन्ट टू सी योर ऐप। आजा, खामखा ये सब करती हूँ। ये तरफ चाहिए? हाँ ये तरफ ही ले लो। अच्छा मैं बहुत शायद दादी और देखना कुछ नहीं, अब मैं बैंकॉक जाती हूँ। सर कमाल की फिल्म बनाई है आपने, आपको एडवांस में मुबारकबाद, और मैं चाहता हूं कि सर आप खुद बताएं कि रिलीज डेट कब है। सर 4th of September ये फिल्म रिलीज होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को भी पहली फिल्म पसंद आई है उनको ये फिल्म ज्यादा अच्छी लगेगी, आप जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। अनिल भाई, अनिल सर, जॉन, श्रुति, थैंक यू सो मच कॉमेडी नाइट्स में आने के लिए और इसकी शोभा बढ़ाने के लिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारक। थैंक यू कपिल।